हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स। दोस्तों 20 अप्रैल 2023 को पृथ्वी से एक सूरज ग्रहण देखा जाएगा। ये किस टाइप का ग्रहण होगा, कहां कहां देखा जाएगा और इस टाइप के ग्रहण पृथ्वी पर बहुत कम क्यों होते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 20 अप्रैल का यह ग्रहण एक हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स होगा। सूरज ग्रहण के कई प्रकार होते हैं, जैसे टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स और हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स वगैरह। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स को समझने से पहले आपको चंद्रमा की परछाई को समझना होगा। सूरज, चांद और पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब एक सीधी रेखा में आते हैं, तब चांद की तीन प्रकार की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। नंबर एक उम्ब्रा, नंबर दो पेनुम्ब्रा और तीसरी एंटुम्ब्रा। उम्ब्रा शैडो परछाई के सबसे अंधेरे हिस्से को कहा जाता है। सूरज ग्रहण के समय अगर आप पृथ्वी पर उस जगह होते हैं जहां चांद का उम्ब्रा शैडो पृथ्वी पर पड़ रहा हो, तो आप टोटल सोलर इक्लिप्स को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इस दौरान चांद सूरज से थोड़ा बड़ा नजर आएगा और सूरज को फुल्ली कवर कर लेगा। अगर आप उस जगह पे हैं जहां चांद का पेनुम्ब्रा साया जमीन पर पड़ रहा हो, तो आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। इस इक्लिप्स में चांद सूरज के एक छोटे हिस्से को ही कवर करता है। तीसरी परछाई है एंटुम्ब्रा, जो उस जगह पर शुरू होती है जहाँ उम्ब्रा परछाई खत्म होती है। एंटुम्ब्रा परछाई में चांद फुल्ली सूरज के डिस्क के अंदर दिखाई देता है और सूरज चांद के अतराफ एक रिंग की तरह नजर आता है। इस टाइप के ग्रहण को कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। जैसे कि हमने बताया, 20 अप्रैल का ग्रहण एक हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स होगा। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स वो है जिसमें तीनों टोटल, पार्शियल और एनुलर सोलर इक्लिप्स देखे जा सकते हैं। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स के दौरान चांद की अपेरेंट साइज पृथ्वी से ऑब्जर्व करने पर सूरज की अपेरेंट साइज से मैच होती है। एक गिवन पॉइंट के पर्सपेक्टिव से कोई स्फेरिकल या सर्कुलर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा नजर आता है, उस साइज को अपेरेंट साइज कहते हैं। हाइब्रिड एक्लिप्स के केस में पॉइंट ऑफ रेफरेंस अर्थ की सरफेस है। दोस्तों एक हाइब्रिड एक्लिप्स के दौरान जैसे जैसे हम चांद से दूर होते जाएंगे, उम्ब्रा परछाई की डायमीटर कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर उम्ब्रा शैडो खत्म होकर एंटुम्ब्रा शुरू हो जाएगी। एंटुम्ब्रा के शुरू होने के बाद जैसे जैसे हम चांद से दूर जाएंगे, एंटुम्ब्रा की डायमीटर बढ़ती जाएगी। दोनों शैडोज के इंटरसेक्शन पॉइंट पर सन और मून के अपेरेंट साइज लगभग सेम होती है। हाइब्रिड ग्रहण के दौरान अगर चांद बिल्कुल आपके शहर के ऊपर हो और आपके शहर और चांद के बीच का डिस्टेंस मून की उम्ब्रा शैडो की लेंथ से कम हो या एग्जैक्ट हो, तो आप अपने शहर में टोटल सोलर एक्लिप्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर ग्रहण के दौरान चांद होराइजन के करीब हो और आपके शहर और चांद के बीच का डिस्टेंस चांद की उम्ब्रा शैडो से ज्यादा हो, तो आपके शहर से मून के अपेरेंट साइज सूरज के अपेरेंट साइज से कम होगी और आपको एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखेगा। अब बात आती है कि हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स के दौरान ग्रहण का प्रकार बदल क्यों जाता है। इसका कारण है अर्थ की कर्व्ड सरफेस और मूवमेंट। मान लीजिए सूरज ग्रहण के दौरान पृथ्वी का कोई हिस्सा मून के एंटुम्ब्रा शैडो में हो और वहां एनुलर सोलर इक्लिप्स को देखा जा रहा हो। आप जानते होंगे चांद, पृथ्वी और सूरज तीनों मोशन में हैं, तो ग्रहण के पृथ्वी के किसी और हिस्से पर आते आते पृथ्वी के कर्व्ड सरफेस के कारण चांद और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और पृथ्वी का वो हिस्सा चांद के उम्ब्रा परछाई में आ जाएगा। इस कारण उस हिस्से में रहने वाले लोग टोटल सोलर इक्लिप्स को देख सकेंगे। दोस्तों अगर पृथ्वी कर्व्ड न होकर फ्लैट होती तो हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स पॉसिबल नहीं हो सकता था। हाइब्रिड इक्लिप्स इसलिए रेयर है क्योंकि इस टाइप के इक्लिप्स के लिए सूरज, चांद और पृथ्वी का एक खास ज्योमेट्री में होना जरूरी है। ज्यादातर ग्रहणों के दौरान सन, मून और अर्थ उस स्पेसिफिक पोजीशन में नहीं आ पाते। इस कारण 21st सेंचुरी में हाइब्रिड एक्लिप्सेस का परसेंटेज सिर्फ 3% रहा है। 224 में सिर्फ 7 हाइब्रिड एक्लिप्सेस हुए हैं। दोस्तों 20 अप्रैल 2023 के हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स के दौरान टोटल सोलर एक्लिप्स को ईस्ट टिमोर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट केप और बैरो आइलैंड्स और इंडोनेशिया के पापुआ प्रोविंस में देखा जा सकेगा। पार्शियल सोलर इक्लिप्स को अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न इंडियन ओशियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में देखा जा सकेगा। एनुलर सोलर इक्लिप्स को इंडियन और पैसिफिक ओशियंस के बीच रिमोट लोकेशंस पर देखा जा सकेगा। दोस्तों इस रेयर ग्रहण को हम भारत से नहीं देख पाएंगे। इस सूरज ग्रहण के टोटेलिटी के दौरान ब्यूटीफुल बेलीस बीट्स भी देखे जा सकेंगे। दोस्तों ग्रहण को बिना किसी प्रोटेक्शन के डायरेक्ट आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है।
आप सभी लोग जानते होंगे सूरज ग्रहण सिर्फ अमावस के दिन ही हो सकता है। इंडोनेशिया में जिस अमावस के दिन लोग इस सूरज ग्रहण को देख रहे होंगे उसके अगले दिन के चांद को देखकर इंडोनेशिया में रमजान के ईद का ऐलान भी किया जाएगा। दोस्तों, ग्रहण के टॉपिक के ऊपर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।